अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। कचरा ले आओ, कचरा आ रहा उधर भी आ रहा हूँ, चिंता मत करो, टाइगर अभी जिंदा है। कचरा ले आओ, कचरा, अरे कचरा ले आओ, कचरा थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी कुछ भी नहीं। वार्ड है हमारा, साफ करेंगे। जब मोदी जी झाड़ू लगा सकते हैं तो मैं तो ये कचरा पेटी उठा ही सकता हूँ। सूखा और किसी को गीला और माफ। कचरा लिया था, कचरा आंटी जी, अरे अब क्या है, वोट तो मेरे को दिए इनने, अब कचरा गाड़ी वाला मामला क्या, वो हड़ताल कर दे, मैं हड़ताल थोड़ी करूंगा, मेरे को तो काम करना पड़ेगा। ले आओ, ले आओ कचरा लाओ, आज एक एक घर से कचरा लेके डाल दो। आप तो सूखा गीला कुछ भी नहीं है, सूखा गीला करते तो आज ये ऐसा आपत्ति नहीं आती, जो वो हड़ताल में बैठ जाते। वो तो सूखा गीला किसको करते हैं, नोट टू, उसको सूखा और किसी को गीला। कितने दिन हो गए कचरा गाड़ी को नहीं आए, तो 3 दिन हो गए। तो ये कचरा ऐसा था, भास रिया पूरा, बताओ दादा कितने दिन से नहीं आई ये कचरा गाड़ी। करेगा क्या आदमी, कचरा लियो डालो। भैया एक बात बोलूं, वार्ड की जनता स्वयं भगवान है, लेकिन आज एक बात बोलूं, झाड़ू घर में भी लगाते, पेमेंट ये नहीं लेते, क्या झाड़ू बाहर लगा दे, नहीं लगा सकते। कचरा गाड़ी से बाहर कर चुका हूँ, चुनाव के समय अभी भी कर दूंगा। भैया 3 दिन हो गए गाड़ी नहीं आई, अब भैया लाओ, भैया एक का घर भी नहीं छोड़ेंगे, जितना भी कचरा पहले मैं वार्ड से बाहर कर चुका हूँ, चुनाव के समय अभी भी कर दूंगा। अरे अब तक नहीं आया, गाड़ी वाला मत आन दो, वोट मेरे को दिया है तो काम करना पड़ेगा। तो पेमेंट जाती कहाँ है, नेटवर्क आ जाता हूँ क्या, ये तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा ना, ये जनता परेशान करती है। सुबह उठते ही जूते किसको देगी, पार्षद को देगी व्यक्तिगत रूप से, बाकी किसी को मतलब नहीं है। निगम आयुक्त उनकी जगह बैठेंगे, बाकी जो बैठता है वो वहाँ बैठेंगे। सुबह कचरा गाड़ी, अब 4 दिन से कचरा गाड़ी, अरे सब में कर, लेकिन हमारा नंबर 1 क्यों नहीं है वार्ड में, सारा टेबल तो 1 नंबर का लेते हैं और सारी आपस हमारे वार्ड में। अरे हो जान दो, मेरे कन गाड़ी बहुत सारी है, मेरी वन ले लिया जो नहीं लिया नहीं, कोई कंफ्यूज नहीं की नहीं, खुदा चला नहीं है, क्या करे। डालो डालो भाऊ डालो, तुमने कहीं डाला नहीं, डाला या डाल दो। कितने दिन हो गए कचरा गाड़ी को नहीं आए, तो 3 दिन हो गए। तो ये कचरा ऐसा था, भास रिया पूरा,
बताओ दादा कितने दिन से नहीं है ये कचरा गाड़ी? तीन दिन हो गया। तो आज ये कौन आया आपके यहाँ कचरा लेने? आप ही लाए और कौन आया? ये कौन आया यहाँ पे लेने? अभी पार्षद है और क्या? पार्षद आया तो क्या क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को? कचरा गाड़ी नहीं आ रही, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं आ रहा है, बोलूंगा और क्या बोलूंगा। कचरा लेके आ जाओ, कचरा और बीमारियों का घर हो रहा है हमारा। कब से आज भी गाड़ी नहीं आई थी? आज भी नहीं आई, कल भी नहीं आई, परसों भी नहीं आई। तो आज आपने कहाँ पे कचरा डाला? रुपेश भैया गाड़ी लेके आए हमारे वार्ड के पार्षद है, इनके गाड़ी में हमने कचरा डाला। हाँ तो परेशानी तो होगी। कौन सा वार्ड है ये? ये बारिश है ना। अच्छा, कौन सा एरिया है? जवाहर नगर। क्या नाम है आपका? श्यामा वर्मा। अभी पर कचरा दिया तो हल्का पड़ा घर को आपके? हाँ अच्छा है। क्या आंटी को कौन आया था कचरा लेने? वो क्या मामला था ये? पता नहीं पहले कौन आया था गाड़ी वाला। वो अभी 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 आए तो पार्षद। अच्छा, तो पार्षद कचरा लेने निकले, मतलब क्या कहना चाहेंगे अभी? क्यों ऐसा क्यों? अब पता नहीं वहाँ से नहीं आ रहे लोगों ने। अच्छा, नगर निगम से गाड़ियाँ नहीं आ रही है? वार्ड में आपके कचरा गाड़ी नहीं आई है, अब आप किस प्रकार से यहाँ पर लोगों से कचरा एकत्रित कर रहे हैं? भैया मैं सुबह 8 बजे से कचरा एकत्रित कर रहा हूँ, और एकत्रित करने का कारण ये है कि अभी देखो 2-4-8 दिन पहले कुत्ता मर गया, अब सफाई कर्मी ने पहले हड़ताल कर दी, अब कुत्ता मर गया उसमें कीड़े पड़ गए। कोई ब्राह्मण व्यक्ति जो पूजा करने जा रहा है बोले भैया आम उठा लें, तो मैंने नहीं, मैं मेरे को आपने वोट दिया आप ऐसा काम मत करो, मैंने उस कुत्ते को उठाया। कुत्ते को उठाने के बाद में अभी 4 दिन हो गए कचरा गाड़ी नहीं आ रही, अब कचरा सड़ रहा, बारिश का समय आप भी समझते हो, दे फोन। आज सुबह से मेरे पास में और कल भी इतने फोन आ गए कि मैं बता नहीं सकता हूँ श्रीमान जी। तो मेरे को ये करा कि मैं घर घर जाके कचरा लूंगा, अब थोड़ा सोचना चाहिए। हमारा वार्ड में कचरा गाड़ी, हम भोलेनाथ को जल नहीं चढ़ाने जा, उससे पहले तो संपत्ति कर और जल कर वाले पहले आ जाते, लाओ दो पैसा। अब पैसा हम ओरिजिनल दे रहे हैं एक, उसके बाद भी हम दुख उठा रहे हैं, क्या मतलब? ये जनता के साथ तो अन्याय है ना। तो मैंने एक एक घर मेरे को वोट दिया, मार खाए जनता क्यों खाए, पार्षद खाए है नहीं, और मजे ले तो ये लोग ले ऊपर वाले। तो मेरा तो ये मानना श्रीमान जी कि एक एक घर का कचरा रोज लूंगा सुबह उठूंगा, क्योंकि मेरे को इनने चुना, इनने गलती नहीं करी है, एक एक घर का कचरा लेना पड़े तो एक एक घर का रोज लूंगा मैं। आपने पता करा कि क्यों गाड़ी नहीं आई यहाँ? अरे भैया वो बोल रहे पेमेंट नहीं दे पा रहे, तो मेरा घर भेज दूं मैं और पैसे दूं इनको, ये करना नहीं दे पा रहा है पेमेंट। अरे क्या बोलूं साहब, कचरा गाड़ी वाले बोल रहे मेरे को पेमेंट 3 महीने का नहीं दे रहा है, उसके बाद में कह रहे हैं कि वो हमको, वो अभी हड़ताल पे बैठे थे, कोई पार्षद नाम तो नहीं पता मेरे को उनका, लेकिन हाँ वो बैठे थे कि यार वो उनकी कोई की पेमेंट नहीं दे रहे तो हड़ताल पे। तो मेरा तो ये मानना है कि हम तो 5 साल मुझे चुना गया है, तो वार्ड की जनता दुखी नहीं, वार्ड की जनता मेरी भगवान है, और पेमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन पेमेंट दो उनके भी, गरीब आदमी है, कोई कर्मचारी है, उनके काम कर रहा है तुम्हारे, दिन रात सुबह दिन रात कचरा उठा रहे, तो देना चाहिए उनकी भी पेमेंट। आप कब तक चलेगा आपका अभियान? रोज चलूंगा, कचरा गाड़ी नहीं आएगी जब तक। किसका गलती मानते हैं पूरे के पूरे माफ? अरे गलती किसकी मानू साहब, आंख खुली है, जमाना देख रहा है, कचरा गाड़ी नहीं आएंगे, जूते मेरे को देंगे। अब मैं गलती तो बोल दूं कि यहाँ पे कने कौन कौन है, यहाँ कोई कुछ नहीं है, जल्दी काम करो। तो नगर निगम की गलती है, मान ले दिखी नहीं ना, इनकी व्यवस्था सही नहीं है, इनकी व्यवस्था सही होती तो उनको पेमेंट मिल जाता, उनको पेमेंट मिल जाता तो कचरा गाड़ी आ जाती, कचरा गाड़ी आती तो पार्षद घर में सोता, यहाँ जूते थोड़ी खाता। ठीक, आपका परिचय? रूपेश वर्मा, पार्षद प्रतिनिधि।